हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप एमएस एक्सेल शीट के अंदर बार कोड्स को कैसे आप जनरेट करेंगे। फ्रेंड्स, यहां पे जो मैं आपको बताने वाला हूं एकदम ओरिजिनल बार कोड्स बताने वाला हूं और मैं आपको इन बार कोड्स को रीड भी करके दिखाऊंगा और आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि आप जो है जनरली प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट करते हैं जिस वजह से जो है आपके बार कोड्स जो है रीड नहीं हो पाते। और आपको एक अच्छा और ओपन सोर्स फॉन्ट भी बताऊंगा जिसको आप कहीं पे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, ये बार कोड्स हमने बना रखे हैं, ये सारे डायनेमिकली है। अगर यहाँ पर मैं कोई भी डेटा यहाँ पर चेंज करता हूँ, कोई भी नंबर लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर बार कोड भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बार कोड इंस्टेंटली जनरेट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कि इसको बनाना कैसे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले दो तरीके दिखाता हूँ। पहले जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम पूछ रहा है, आपने कुछ भी नंबर जो है यहाँ पे एंटर किया, नेम नंबर मैंने यहाँ पे ऐसी अल्फ़ाबेट और कुछ नंबर करके एंटर कर दिया। अब मुझे यहाँ पे इसका बार कोड चाहिए, तो अब बार कोड कैसे लेना है। तो जनरली फ्रेंड्स होता क्या है, आप इसको यहाँ पर इक्वल टू करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं और एंटर कर देते हैं, यहाँ पर नंबर आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ से बार कोड फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे एक बारकोड फॉन्ट जो है सिलेक्ट कर लिया। बारकोड फॉन्ट जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बारकोड जो है जनरेट हो गया। लेकिन ये जो बारकोड जनरेट हुआ है फ्रेंड्स, क्या एक जेन्युइन बारकोड है? जब आप इसको रीड करेंगे बारकोड स्कैनर से, मशीन से, क्या ये तब रीड करेगा? ठीक है, ये फ्रेंड्स नहीं करेगा। मैं आपको रीड भी करके दिखाऊँगा। अब रीड कैसे कराना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वाले बॉक्स के अंदर जो है मैं आपको बारकोड ओरिजिनल जनरेट करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इक्वल टू करना है। इक्वल टू के बाद आपको ना दो बार स्टार लगाना है, एक स्टार यहाँ पे लगा दिया जिसे हम एस्टेरिक बोलते हैं। और उसके बाद अब आपको ना यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप कहाँ से इनपुट लेना चाहते हैं। तो मैं इस वाली सेल से इनपुट लेना चाहता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पर आपको एस्टेरिक से इसे वापस से क्लोज़ कर देना है और एंटर कर देना। तो देखिए यहाँ पे डबल स्टार आपको शो करेगा। अब यहाँ पे जो है आप कोई भी अल्फ़ाबेट लिखिए, जैसे मैं यहाँ पे ऑफिशियल मिस्टर बॉट कर देता हूँ। ठीक है, ऑफिशियल मिस्टर बॉट कर दिया मैंने। अब जैसे ही मैंने एंटर किया ना तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट आ गया लिखा हुआ। मेरे को इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर 10 मेथड अप्लाई करेंगे, जब आप उस फाइल को किसी और के साथ शेयर करेंगे उसके सिस्टम में वो फॉन्ट है या नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे में बस आपको फॉन्ट को इंस्टॉल कराना है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सेटिंग चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल बारकोड वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो होता क्या है कि आप जनरली यहाँ से सेंड कर देते हैं और वहाँ पे जब वो उन बारकोड्स को रीड करते हैं इस तरीके से उनके सिस्टम पर शो करता है लेकिन बारकोड्स रीड नहीं होता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये लिब्रे बारकोड फॉन्ट है, इसके अंदर आपको बहुत सारे फॉन्ट के स्टाइल मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा स्टाइल यहाँ पे रख सकते हैं। इसको मैंने बड़ा कर दिया। और यहाँ पे एक आपको टिप देना चाहूँगा, जब भी आप बारकोड जनरेट करते हैं तो इसको नॉर्मल फॉन्ट में ही जनरेट कीजिए। इसके अंदर कोई भी आप फॉर्मेटिंग, जैसे कि इसको बोल्ड मत कीजिएगा नहीं तो रीड नहीं करेगा, ठीक है, इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी आप अपने बारकोड के साथ मत कीजिएगा। अब देखिए हमारे पास एक ये वाला बारकोड है जो वर्क करता है और ये वाला बारकोड है जो फ़िलहाल वर्क नहीं करता है। ठीक है, अब मैं आपको दोनों को ही रीड करा के दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाएं। तो यहाँ पे मैं स्निपिंग टूल का सहारा लेने वाला हूँ, स्निपिंग टूल से मैं इसको स्निप करता हूँ। ठीक है, तो हमारे सामने टूल आ गया, इसको मैं स्निप करता हूँ। बारकोड का ये वाला पोर्शन मैंने स्निप किया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको मैं गया यस किया और इसको ये डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ। एक ये वाला सेव हो गया, अब इस वाले को भी मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए भी स्निपिंग टूल लेता हूं और इसको स्निप करता हूं और इसको भी सेव करके दिखा देता हूं। फ्रेंड्स, इतना मैं आपको इसलिए झंझट करके दिखा रहा हूं जिससे कि बस आपके डाउट्स क्लियर हो, आपको बार बार जो है वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और समझने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको दोनों ही तरीके दिखा दिए। अब आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर आना है, आपको सबसे पहले इस वाले बारकोड को जो है डाउनलोड कर लेना है जो कि ऑफिशियल है गूगल फॉन्ट्स का। डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको, इजीली कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, छोटा सा फॉन्ट है। अब मैं आपको दोनों फाइलों को रीड करके यहाँ पे ऑनलाइन दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो ये वाली फाइल थी, इसको मैं रीड करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रीड बारकोड करूँगा
यहाँ पे देखिए क्या ये रीड कर पाएगा या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसने साफ बता दिया नो बारकोड फाउंड, ठीक है, यानी बारकोड तो दिखा रहा है लेकिन इसको रीड नहीं कर रहा है। अब मैं दूसरी इमेज को आपको रीड करके दिखाता हूँ क्या वो रीड करेगा। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और रीड करते हैं, क्या इसको रीड कर पाएगा। इसके अंदर हमने ऑफिशियल मिस्टर बॉट लिखा था, तो फाइनली आप देख सकते हैं इसने इसको रीड कर लिया है इस वाले बार कोड को। तो देखा फ्रेंड्स आपने किस तरीके से आप बार कोड को जनरेट करके अपने किसी भी काम में जो है यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको देखे फ्रेंड्स बता दिए कि कैसे यहाँ पे फेक शो होता है, कैसे आपको यहाँ पे ओरिजिनल शो होता है, आपको कैसे जो है इसमें कन्वर्जन कराना है, क्या है सारे तरीका जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जो है करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे आइए और कुछ भी आप यहाँ पे लिख दीजिए, आपका बार कोड जो है जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप इन बार कोड्स को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।